गुड इवनिंग टू एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार अगेन। ठीक है, तो आज मैं बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ, और मैं बताऊँ ये बहुत ही वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो मुझे लगता है कि जो भी मार्केट में आता है, इरेस्पेक्टिव ऑफ ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स, छोटे इन्वेस्टर्स, बड़े इन्वेस्टर्स, डजेंट मैटर्स, कोई भी हो, किसी साइज का भी, टेबल का हो, टिकट साइज का हो, ये टॉपिक मुझे लगता है सबको जानना जरूरी है, एकदम बेसिक है और ये सबको जानना बहुत जरूरी है। क्या आज है तो टॉपिक का नाम है हाउ टू मेक ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट जर्नल। ये होता क्या है एक्चुअली, बेसिकली क्या है क्या, तो ये सब टॉपिक डिस्कस करेंगे कि ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट जर्नल होता क्या है पहली बात, और बेनिफिट ऑफ मेकिंग दिस ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट जर्नल, फायदा क्या, और एग्जांपल ऑफ ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट जर्नल का एग्जांपल भी डिस्कस करेंगे। छोटा टॉपिक है लेकिन बहुत ही पावरफुल टॉपिक है जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये होता क्या है, सबसे पहले ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट जर्नल इट इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव टूल फॉर ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। इट इज वेयर यू रिकॉर्ड एंड रिव्यू डेली, वीकली, मंथली, ईयरली ट्रेड फॉर बेटर आउटपुट एंड फॉर बेटर एंड फॉर फ्यूचर रेफरेंस। ए जर्नल कैन हेल्प यू ट्रैक प्रोग्रेस एज वेल एज स्टडी मिस्टेक्स मेड व्हेन यू एंटरिंग और एग्जिस्टिंग ए ट्रेड। तो सिंपल भाषा में मैं आपको कह रहा हूँ कि होता है कि आप एक एक्सेल शीट मेंटेन करते हो, बेसिकली जो आपका बताता है जो भी आप ट्रेड लेते हो, या लॉन्ग टर्म में हो या शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग करते हो, आप एक्सेल शीट मेंटेन करते हो जिसमें आप एक टारगेट बताते हो कि क्या आपको अचीव करना है, स्टॉप लॉस सेट करते हो, ट्रेड लेने से पहले एकदम पहले रिसर्च करते हो कौन सा सेक्टर मुझे पैसा लगाना है, कितने पैसे लगाना है, कितना समय का लगाना है और कितना स्टॉप लॉस का लगाना है विद सम लॉजिक, और आप पहले ही अपना एक्सेल शीट में डेटा को फिलअप कर लेते हो। और मैं दिखाऊंगा आगे अगले स्लाइड्स में कि कैसे फिलअप करा जाता है वो डेटा को। उसके बाद आप अगला दिन उस पर ट्रेड एग्जीक्यूट करते हो, आप बाय या सेल करते हो अगला दिन। ऐसा नहीं कि लोगों को मैं देखता हूँ पहले क्या करते हैं, पहले ट्रेड ले लेते हैं बिना सोचे समझे, न्यूज देख के इस बैंक में ये चल रहा है, आईटीसी में ये चल रहा है, और ट्रेड ले लेता है, उसके बाद फिर रिसर्च करते हैं, अच्छा आईटीसी के बारे में किसने क्या रिकमेंडेशन बोला, किसने सीएनबीसी में क्या कहा, इसका न्यूज क्या चल रहा है, कोई मनी कंट्रोल जाता है, कोई गूगल चेक करता है कि आईटीसी का कुछ आज आया, डिविडेंड आया, वो बाद में लेने के बाद। लेकिन ये जो ट्रेडिंग जर्नल, जो एक्सेल शीट, एक पावरफुल सिस्टम है जो परफॉर्मेंस स्टॉक का बताता है मैनेज करने के लिए, ये आपको पहले ही बताता है कि करना क्या है मुझे, कि मेरा स्टॉक मुझे अब लेना है, कितना समय के लेना है, स्टॉप लॉस क्या रहेगा, और मैं कितना पैसा लगा सकता हूँ और कितना रिस्क ले सकता हूँ। और ये एक्सेल शीट का फॉर्म में होता है, आप खुद बना सकते हो, बहुत सिंपल है और आपको हेल्प करता है। इसका फायदा क्या है बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये है, सबसे पहला फायदा है कि मेक परफेक्ट स्ट्रेटजी सेटअप फॉर यू। सपोज आपको कोई स्ट्रेटजी आपको काम आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल आपने देखा है कुछ कुछ कोई स्ट्रेटजी एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे आपको कोविड आया तो 2020 में जब मार्केट क्रैश हुआ था, तो आपने एक सेक्टर बूम करना स्टार्ट कर दिया था, वो था आपका आईटी सेक्टर और फार्मा सेक्टर, फॉर द ऑब्वियस रीजन, क्योंकि जब मार्केट क्रैश हो रही थी, कोविड में लोग मर रहे थे, बीमार हो रहे थे, तो उस टाइम फार्मा कंपनी का दवा, मेडिसिन, उनके जो भी इक्विपमेंट काफी ज्यादा सेल हो रहा था, उनका ग्रोथ अच्छा था, प्रॉफिट अच्छा था। तो सेक्टर वाइज आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि इस सेक्टर पे पर्टिकुलर, अगर मैं सेक्टर पकड़ लूँ तो मुझे प्रॉफिट मिल जाएगा, और मैं उस सेक्टर में पैसा लगाऊंगा कंपनी में, बस मैं फिर लगाऊंगा मैं फार्मा कंपनी में और अपने आईटी में। और जिस लोगों ने बिना कुछ सोचे समझे सिर्फ आईटी और फार्मा सेक्टर में पैसा लगाया, उन्होंने कमाया। तो ये स्ट्रेटजी एक तरह का डेवलप हो गया, अपने स्ट्रेटजी खुद बनाया, ये आपको लग गया कि वर्क करता है। तो अभी से स्ट्रेटजी क्या, कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि मैं शुगर इंडस्ट्री कह रहा था, तो शुगर इंडस्ट्री में क्यों है कि आपने न्यूज देखा होगा बीच में कि गवर्नमेंट क्या चाह रही है कि क्लीन फ्यूल बनाया जाए, जो पेट्रोल मार्केट में बिक रहा है डीजल, उसमें पोल्यूशन ज्यादा होता है, वो चाह रहे हैं कि शुगर उस पेट्रोल में और उस डीजल में शुगर को ब्लेंड करके एथेनॉल एक प्रोडक्ट बनता है जो शुगर के साथ मिक्स करते हैं, और उनका टारगेट 20% मिल जाए, मतलब 1 लीटर में 200 ml आपका इथेनॉल जो शुगर से बनता है वो मिक्स हो जाए, उससे क्या होगा पोल्यूशन कम होता है। और सेकेंड चीज, जो इंडिया का एक्स जो बाहर से इम्पोर्ट करता है हम लोग मिडिल ईस्ट से क्रूड ऑयल, उससे डिपेंडेंसी कम हो, और कंपनी का जो कंपनी सॉरी इंडिया का पैसा बचे, जो इम्पोर्ट में हम लोग का पैसा लगता है, इससे क्या शुगर कंपनी का एकदम अचानक से डिमांड बढ़ गया और काफी कंपनीज जो है इथेनॉल बनाना शुरू कर दिया, शुगर से इथेनॉल बनता है, इथेनॉल भी एक तरह का प्रोडक्ट था जो देखने में मोर और लेस आपका पेट्रोल जो डीजल दिखता है। इथेनॉल का बेस्ट एग्जाम्पल बोलेगा जो आप वाइन विक्सी देखते हो, विक्सी खासकर जो पीते हैं लोग, ड्रिंक करते हैं, वो इथेनॉल ही होता है एक तरह का, 48% होता है, 49% उसको आपको पेट्रोल या डीजल मिलाना, और गवर्नमेंट ने कहा कि आप 20% तक मिला सकते हो, जो करंटली 3% आज के दिन में मिलता है करंटली। तो आपको ये पता चल गया कि शुगर सेक्टर में ये लॉजिक वैसे बढ़ेगा, आपको पता चल गया न्यूज देख के, हमने रिसर्च करा, तो आपने डिसाइड कर लिया कि मैं इस लॉजिक पे, ये स्ट्रेटजी मेरे लिए काम कर रहा है सेक्टर वाला, तो मैं सेक्टर वाली कंपनी पैसा लगाऊंगा। तो ये एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं स्ट्रेटजी का, नंबर वन।
कोई स्ट्रेटजी ये हो सकता है कि जैसे आप सेम कंपनी में काम कर रहे हो, ठीक है, तो आपका कोई दोस्त है दूसरा कंपनी में काम कर रहा है, कोई ऑटोमोबाइल्स में या किसी और ने, उसने बताया कि यार मेरे ऑटोमोबाइल वाली कंपनी अच्छा काम कर रहा है, तो दोस्तों से जो लॉजिकली जो काम करके अच्छा इनपुट दे रहा है, ऑटोमोबाइल सेक्टर काम कर रहा है, ये सेक्टर अच्छा है, चलो मैं इसमें ले जाता हूँ, तो दोस्तों का रिकमेंडेशन जो जेन्युइन है आपको लगता है तो वो भी कर सकते हो, वो भी एक स्ट्रेटजी काम कर जाता है। दूसरा स्ट्रेटजी है कि कोई आपको एक्सपर्ट बता रहा है कि हाँ ये सही काम कर रहा है, ये स्ट्रेटजी ठीक है, किसी ने आपको रिकमेंडेशन दिया उसको भी फॉलो कर सकते हो, वो भी एक स्ट्रेटजी तरह रूल करेगा। और चौथा स्टेज ये हो सकता है, आपको लगता है कि एक मूविंग एवरेजेस, एक टेक्निकल टर्म्स में मान लो फॉर एग्जांपल होता है 20, 50, 200 मूविंग एवरेज के ऊपर मैं बाई करूंगा, वो भी एक स्टेज यार वो वर्क कर रहा है आपके लिए। तो चौथा हो सकता है कि स्मॉल कैप का स्ट्रेटजी, लगता है कि स्मॉल कैप बना रहा है उसका स्ट्रेटजी काम कर रहा है आपके लिए, तो स्ट्रेटजी मल्टीपल हो सकता है। तो आपको ये बेनिफिट क्या, अगर ट्रेडिंग जर्नल बनाओगे तो आपको एक स्ट्रेटजी पता चल जाएगा कौन आपके लिए वर्क कर रहा है, और उसी स्ट्रेटजी के साथ चिपक के रहोगे, उसी में ही अपना ट्रेड लोगे। तो ये एक पहला पॉइंट हो गया नंबर वन। नंबर टू पॉइंट क्या है कि इससे आपका इससे नंबर टू पॉइंट ये आपका बेनिफिट हो गया है कि आप अपना वीकनेस और स्ट्रेंथ पे काम करो। वीकनेस मतलब कि आपने एक ट्रेड लिया, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गए, आप बाहर आ गए मार्केट से, मैं लॉस हो गया आपका, दूसरा लिया फिर स्टॉप लॉस हिट हो गया, फिर बाहर आ गए, चौथा लिया फिर स्टॉप लॉस हिट होते यार आपका लॉस होते जा रहा है, तो आपको लगे कुछ ना कुछ रॉन्ग है, आप आगे ट्रेड नहीं लोगे, आप पहले स्टडी करोगे, पढ़ोगे, समझोगे, फिर ट्रेड लोगे, तो आप वीकनेस पे काम करो। और स्ट्रेंथ पे क्या फायदा है, अगर कोई स्टॉक अच्छा चला है गुजरात फॉरेन, मुझे पता है किसने लिया हुआ था, वो आगे मूव कर रहा है, मिंडा इंडस्ट्री देखा हमने ट्रेड लिया वो आगे चल रहा है, तो आप उसको होल्ड करोगे उसको और अपना प्रॉफिट को ऊपर ले जाओगे खींचकर, और अपना स्टॉप लॉस आगे बढ़ाते जाओगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ये वर्क कर रहा है मेरे लिए, तो मैं इसको क्यों सेल करूंगा, इसको होल्ड करेगा। तो आपका एक स्ट्रेटजी, आपका स्ट्रेंथ को भी आप ठीक कर सकते हो, वीकनेस को भी ठीक कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रेडिंग जर्नल्स है, ठीक है। आप जैसे मैं आपको कुछ नहीं बताया, सेक्टर स्पेसिफिक एनालिसिस कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया तो वो भी बता सकते हो कि हाँ इस सेक्टर में चल रहा है। इंप्रूव योर ट्रेड, आपको जो ट्रेडिंग है वो इंप्रूव करोगे बिल्कुल ऑब्वियसली, क्योंकि नंबर ऑफ कितना सक्सेस हुआ कितना फेल हुआ है, तो हमेशा सक्सेस नंबर ऑफ ट्रेड होना चाहिए मोर देन 50% है। अब मैं 10 ट्रेड लिया तो कम से कम 5 आपके सक्सेस होने ही चाहिए, तब वो देख सकते हो गलत हो रहा है, तो आप पहले रिसर्च करोगे समझोगे फिर नया पैसा लगाओगे, ठीक है। और दूसरा है कि होल्ड यू अकाउंटेबल, इसमें आप पूरे अकाउंट्स कर सकते हो कि आपने कितने पैसे लगाए, कब लगाए, कितना लगाए, क्यों लगाए, लॉजिक के साथ, तो आप अकाउंटेबल हो अपने गलती के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए, दोनों के लिए आप ही अकाउंटेबल हो। आप किसी को ब्लेम नहीं करोगे, इसमें गेम नहीं चलेगा कि भैया मुझे तो इस बंदे ने कहा था मुझे लगाने के लिए, मैं टीवी में कहा था, मुझे इसने कहा था, अब खुद इसके खुद अकाउंटेबल हो गए। और अच्छी बात है, मैनेज योर रिस्क एफिशिएंटली, इस ट्रेडिंग जर्नल का हेल्प से अपना रिस्क मैनेज कर सकते हो कि भाई मैं मैक्सिमम 10,000 लॉस बुक कर सकता हूँ, मैं 5,000 कर सकता हूँ, मैं 100 कर सकता हूँ, 1,000 कर सकता हूँ, तो आप रिस्क को पहले डिफाइन कर दोगे पहले ही कि मुझे इतना रिस्क मैं ले सकता हूँ, ये प्लस पॉइंट है। और दूसरी बात इसमें कि इमोशंस इन्वॉल्व नहीं है बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने पहले ही सेटअप बना लिया कि मुझे ये लेना है, ये स्टॉप लॉस रहेगा, टारगेट, तो इमोशंस गया, जो टारगेट आया तो ठीक है आप लेके निकल जाओगे, लॉस हुआ तभी मैं निकल जाऊंगा, तो इमोशंस होने थे। मार्केट में क्या होता है, 99.9% लोग क्या करते हैं, वो स्ट्रक्ट हो जाते हैं अपने इमोशंस के साथ, इमोशंस के साथ स्ट्रक्ट हो जाते हैं कि भाई ये तो मेरा ITC है, इसमें तो मेरे दोस्त काम करते हैं, इसका प्रोडक्ट तो मैं यूज करता हूँ, इसका तो मैं सिगरेट पीता हूँ, ITC का गोल्ड फ्लेक्स सिगरेट आता है यार, ये तो गिंडा नहीं चाहिए बिल्कुल भी, मैं तो लेकर रखूंगा इसका, मैं इसके लिए और सिगरेट जाऊंगा खरीदूंगा, अपने दोस्तों को पिलवाऊंगा कि भाई तू भी पी ताकि कंपनी का ग्रोथ हो और कंपनी बढ़े, मैं बेचूंगा नहीं, बल्कि कंपनी लॉस में जा रही है, उसका प्रॉफिट, उसका शेयर का प्राइस बढ़ने रहा है, फिर भी एक इमोशंस अटैचमेंट होता है किसी किसी का कि भाई मैं नहीं बेचूंगा इसको, बल्कि दोस्तों को भी मैं देखा सिगरेट खरीदा है, मैं जानता हूँ मेरे दोस्त लोग यार हैं ऐसे, वो ITC का सिगरेट पी के पीते हैं, दोस्तों को बोलते हैं लो या यही लो, दूसरे ब्रांड मत लो, तो ये मुझसे अटैच हो जाता है लोगों का इस पर्टिकुलर चीज में, ये मेरा भी देखा हुआ है, तो ये अच्छी एक थोड़ा सा वो हट जाएगा। और तीसरी बात है आपका जो बेस्ट पार्ट कि ब्रिंग कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी हो जाए, कंसिस्टेंसी मतलब होता है कि आप जो रिजल्ट करें वो हमेशा कंसिस्टेंट रहेगा, मतलब आप जो कर रहे हो जो सही हो रहा है तो सही रहेगा, गलत होगा उसको कंप्रोमाइज करोगे, तो ये आपका एक कंसिस्टेंटली बन जाएगा। तो ये सब बेनिफिट है इन्वेस्टिंग जर्नल का, तो हम लोग कैसे बनाते हैं उसको डिस्कस करेंगे आज, और कैसे करते हैं, इसलिए ये बनाना है कब, आप कोई भी ट्रेड या इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको मोटिव क्लियर होना है पहले, उसके बाद आपको करना है, तो ठीक है हम लोग नेक्स्ट चलते हैं इसमें। तो ये एक एग्जाम्पल है इन्वेस्टिंग जर्नल बनाने का, तो उसमें क्या क्या कॉलम होते हैं मेन वो हम लोग डिसाइड करेंगे क्या क्या होता है। सबसे पहला होता है सीरियल नंबर, मतलब ये एक्सेल शीट में खींच के मतलब अपने स्नैपशॉट डाला हुआ है, सीरियल नंबर बता रहे हैं कि आपने नंबर ऑफ ट्रेड्स कितने लिए। तो दो तरह का ट्रेड होगा आपका, एक होता है लॉन्ग टर्म के लिए और एक होता है शॉर्ट टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म मेरा अकॉर्डिंग होता है 0 से
3 months शॉर्ट टर्म, और लॉन्ग टर्म का मतलब होता है 6 months से 5 years तक, जो मेरा है लॉन्ग टर्म है 6 months से अबव को मैं फाइव मतलब लॉन्ग टर्म मानता हूँ, मेरा सबका डिफिनेशन अलग है, लेकिन मैं मानता हूँ 6 months से जो भी 5 years तक हो वो लॉन्ग टर्म कैटेगरी में आता है, शॉर्ट टर्म के लिए होता है 0 से 3 months। तो अभी मैं जो बता रहा हूँ सैंपल, ये बता रहा हूँ आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए। अब सिमिलरली आप शॉर्ट टर्म के लिए भी ऐसा बना सकते हैं सेम, तो मैं लॉन्ग टर्म के लिए बता देता हूँ, सिमिलरली शॉर्ट टर्म के लिए बना सकते हैं। ये जो बता रहा हूँ सैंपल ये है लॉन्ग टर्म के लिए, आप एकदम सेम कॉन्सेप्ट यूज कर सकोगे शॉर्ट टर्म के लिए, जो ट्रेडिंग बोला जाता है। ये जो मैं बता रहा हूँ इन्वेस्टमेंट के लिए बता रहा हूँ आपको लॉन्ग टर्म के लिए। तब तो आते हैं सबसे पहले तीसरे नंबर हो गया, बता रहे नंबर ऑफ ट्रेड्स आपने कितने लिए, 1 2 3 जितना काउंट होगा। और नंबर टू कॉलम आपको जो ऐड करना है उसको लिखना डेट, डेट मतलब जिस दिन आप ट्रेड लोगे, से कल मंडे है, कल आपको ट्रेड लेना है किसी का फॉर एग्जाम्पल, तब वो डेट डाल दो कल का जो भी लेना है। तो एग्जांपल मैंने 22 मई लिखा है, इसको ट्रेड लिया। फिर नेक्स्ट स्क्रिप्ट नेम, स्टॉक का नाम लिखना आपको, ये हो गया आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल। तो आपको लग रहा है कि फॉर एग्जांपल किसी ने लॉजिक देखा कि इंश्योरेंस कंपनी में चीजें चल रही है, मुझे इंश्योरेंस कंपनी लेना चाहिए, तो ठीक है। सेक्टर लिखना है कौन सा सेक्टर है, ये क्या आइडेंटिफाई करेगा सेक्टर, इसलिए लिखता है ताकि फ्यूचर में पता चले कि ये सेक्टर ने मुझे पैसा कमा के दिया था इस टाइम में, मैंने ये सोचा था, अब सेक्टर इसे लिखते हो। उसका आपको लिखना है नंबर ऑफ शेयर्स कितने बाई किए आपने, ये आपको बताना है। उसमें लिखना है अमाउंट आपने उस शेयर में कितने लगाए हुए हैं, ये भी आपको लिखना है पहले ही, आप कितना लगाओगे पहले ही सही, बाद में कुछ भी नहीं, एकदम पहले कि मैं इतना अमाउंट लगाऊंगा इस पे। और नंबर थ्री अमाउंट पे लिख दिया आपने कि टोटल अमाउंट लगाओगे, और आपको बाई प्राइस लिखना है कि हमें किस प्राइस पे बाई करना है। आपको हो सकता है 5 रुपये 10 रुपये उसको इग्नोर करेंगे एज ऑफ नाउ, लेकिन इतना मानो जो प्राइस हमने लिया वो प्राइस आप लिख दो, प्लस माइनस 5% 1% होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं उसके लिए। और उसी बीच में आप लिखोगे स्टॉप लॉस, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्टॉप लॉस। अब पहले ही ट्रेड लेने से पहले ही आप लिख लोगे कि मैं इस स्टॉक में मैक्सिमम 10% 15% या 20% में लॉस झेल सकता हूं, अगर इससे नीचे जाता है तो मैं निकल जाऊंगा। तो जो स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, कैसे करना है, इसके लिए हम लोग कभी किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हाउ टू पुट द स्टॉप लॉस, देयर आर मेनी वेज टू डू दैट, बहुत तरीका से हम लोग कर सकते हैं इसको, ये तरीका हम लोग फ्यूचर में डिस्कस करेंगे कैसे लगाते हैं। तो एज ऑफ नाउ सिंपलिसिटी के लिए मान के चल रहा है कि हम लोग स्टॉक लॉन्ग टर्म एक स्टॉक में मैक्सिमम 20% या 10% का लॉस हम लोग बियर कर सकता है, उससे नीचे आता है तो हम लोग इसमें एग्जिट कर जाएंगे। कोई भी लोग बहुत लॉजिक है लगाने का स्टॉप लॉस, अभी मान के चलते हैं कि अगर 10% लॉस होता है या 20% लॉस होगा हम लोग एग्जिट कर जाएंगे। स्टॉप लॉस एक हम लोग को डालना ही डालना है पहले ही स्टॉक स्टॉक्स लेने से पहले ही, एकदम बिल्कुल सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपके अगेंस्ट में चला गया ट्रेड, अगर वो चला गया आपने लिया नीचे चला गया, हम लोग बिना सोचे समझे इस पर्टिकुलर नंबर पे हम लोग हिट हुआ, हम अगला दिन बिना सोचे समझे वी विल एग्जिट, हम लोग मार्केट को लॉस दे के चले जाएंगे। तो ये हो गया एक नया कॉलम जिसका नाम है स्टॉप लॉस। और ये एग्जिट प्राइस, एग्जिट प्राइस का मतलब ये होता है आपका, इसको मैं टारगेट प्राइस ही बोलता हूँ, एग्जिट प्राइस मतलब जिसमें आपको लगता है कि निकलना है। तो टारगेट कैसे निकला जाता है ये भी हम लोग कभी डिस्कस करेंगे और टॉपिक में, लेकिन एक मान के चलता है कि हम लोग मान के चलता है कोई स्टॉक लिया है तो उसके टारगेट प्राइस कुछ भी सेट कर दिया, आपका एक्सपीरियंस है लोगों से सुन के या कुछ समझ के चार्ट देख के कंपनी के फंडामेंटल देख के आपने कुछ टारगेट प्राइस सेट कर दिया, 545 है तो मैं टारगेट प्राइस सेट करा हुआ 1000 रुपीज, और ये अभी शायद मैंने दिया था काफी पहले 21st को, अभी शायद 630 या 650 चल रहा है, आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली, लेकिन वो 15-20% ऊपर ही जा रहा है अभी। ये हो गया ये एग्जिट प्राइस, इसको बोलते टारगेट प्राइस, ये नया कॉलम ऐड करना आपको। और नेक्स्ट कॉलम ऐड है इसका नाम सेटअप, आपने कौन सा सेटअप सोच के लिया है, सेटअप मैंने आपको स्ट्रेटजी किया है, सेटअप का मतलब यहाँ पे स्ट्रेटजी क्या डेवलप किया आपने, क्या सोच के लिया। तो ये हो सकता है मैंने ATS का मतलब होता है एक ऑल टाइम हाई, ये स्टॉक है ऑल टाइम हाई का मतलब ये स्टॉक अभी का टाइम में सबसे हाईएस्ट प्राइस जो है मार्केट में इसका ये चल रहा है, तो मैंने ये स्ट्रेटजी पे लिया है। कोई स्ट्रेटजी हो सकता है कि टेलीकॉम का, इसमें भारतीय एयरटेल में लिया टेलीकॉम का, क्योंकि टेलीकॉम का इसलिए लिया है कि टेलीकॉम में यही एक प्लेयर है जो अच्छा कर रहा है अपार्ट फ्रॉम रिलायंस, तो उनका कोई कॉम्पिटिशन नहीं है क्योंकि वोडाफोन लगभग खराब हालत चल रहा है उसका, तो इसलिए मैंने ले लिया। और मैंने एक ओरेकल फाइनेंस पे लिया अभी, तो फॉर एग्जांपल ये आईटी सेक्टर तो आईटी बूम कर रहा है, तो आपको कुछ ना कुछ लॉजिक, आप कहीं न्यूज लिख सकते हो सेटअप में, आप लिख सकते हो कि सेक्टर लिख सकते हो, पेपर इंडस्ट्री कर रहा है, तो आपको कुछ ना कुछ लॉजिक यहाँ लिखना पड़ेगा आपको, स्ट्रेटजी क्या है। जैसे मैंने ऑल टाइम हाई लिखा है, टेलीकॉम लिखा, आईटी सेक्टर, तो आपको इधर अपना लॉजिक लिखना पड़ेगा, भाई मैं क्यों ले रहा हूँ इस स्टॉक को, रीजन क्या है, आपको लिखना ही पड़ेगा पहले ही, बिना लॉजिक लेके आप स्टॉक नहीं लेंगे बिल्कुल। आप न्यूज से लिखा है कोई बात नहीं, हम लिख दो न्यूज, एकदम कहानी लिखने तक एक लाइन में न्यूज, CNBC न्यूज, फिर कोई को हो सकता है मेरे फिंगर में कोई रिकमेंडेशन तो कहेंगे, अब मेरा नाम लिख सकते हो संजीत रिकमेंडेशन, अभी लिख सकते हो बिल्कुल, ऑब्वियसली ताकि मुझे ब्लेम भी करोगे बाद में, अलग बात है अगर लॉस हुआ तो, लेकिन हाँ आप मेरा नाम लिख सकते हो कि हाँ संजीत रिकमेंडेशन बोल के भी आप यहाँ लिख सकते हो, या कुछ भी आप लिख सकते हो, ऑल टाइम हाई लिख सकते हो, मूविंग एवरेज लिख सकते हो, काफी तरीका है टेक्निकल जो हम लोग कभी डिस्कस करेंगे किस बेसिस पे हम लोग सेटअप काफी बन सकता है बहुत तरह का। अब सेटअप जिस बेसिस पे हमने लिया है उसका लॉजिक या सेटअप आपको लिखना पड़ेगा। और ये एग्जिट डेट,
आपने कब निकला, किस दिन, जैसे आपको टारगेट हो गया मान लो 1000 रुपये, और ये मान लो 545 आपका हुआ है 2025 में, तो आपको डेट लिखना पड़ता है, आपको लगे अच्छा ये ट्रेड है 5 साल लग गया था, क्या पता 1 साल में अगर टारगेट आ जाए तो आप लिखोगे इस पर्टिकुलर 1 साल बाद टाइम, तो आपको लगे कि हाँ ये ट्रेड मेरा बहुत जल्दी मुझे रिटर्न देकर चला गया, अच्छा किया था। आप रिसर्च सोचोगे कि ऐसा उस टाइम क्या हुआ था इस स्टॉक को लेते हुए मैंने, आप इस एक्सेल शीट के थ्रू जाओगे तो ये टारगेट जल्दी किया था, आप इस तरह कंपनी में ज्यादा अटैच रहोगे अपना, आपको मालूम चलेगा क्या। उसके बाद है क्या प्रॉफिट लॉस, जो भी आपने इन्वेस्ट किया था 50,000, इसका जो भी प्रॉफिट लॉस हुआ है, मान लो आपका 50,000 प्रॉफिट हो गया, यहाँ लिख दोगे 50,000 प्रॉफिट हुआ या लॉस जो भी है, और लिखे हुआ डेज हेल्ड, मतलब कितना नंबर ऑफ डेज आपने स्टॉक को होल्ड किया है, तो आप काउंट कर लोगे माइनस एंड डेट से जब निकले थे एग्जिट डेट से, और जिससे आपने बाई किया था उसको माइनस करें जो भी डेज है, तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि एक स्टॉक आपने कितना होल्ड किया था और कितना परसेंटेज आपको रिटर्न मिला है, जो भी यहाँ पे भी नहीं निकला एग्जिट इसलिए पड़ा हुआ है खाली, जब एग्जिट डेट होगा आप लिखोगे लॉस कितना हुआ कितना दिन आप, तो ये आप देखोगे इतना पावरफुल टूल है ये, आपको पहले ही करना है लेने स्टॉक पहले से, ऐसा नहीं कि बाद में सोच लिया आपने ले लिया, तो पहले बिफोर हैंड ये आपको एक्सरसाइज करना है। तो इसलिए सब लोग से मैं आपको कहूंगा जो भी वीडियो देख रहे हैं इसको एकदम पहले से आप सोच लो कि मैं कभी भी कोई स्टॉक लेता हूँ इन्वेस्टमेंट के लिए या ट्रेडिंग के लिए, मैं पहले अपना इस एक्सेल शीट को जाकर मैं फिलअप करूंगा, एक्सेल शीट का लिंक मैं शेयर कर दूंगा यूट्यूब के वीडियो के लिंक पे, आप सबसे पहले इसको आपको जाके फिलअप करना है खुद से ये डेटा को, उसके बाद ही आप अगला दिन जाके बाय का बटन प्रेस करोगे, या आज अपने आप का कसम खा लो ये चीज, आपके जॉब की कसम खा लो, आपके जो भी जिसको मानते भगवान के जिसके भी, आप यहाँ से मान लो कि मुझे इस डेटा को मैं फिलअप करूंगा, उसका बाद ही मैं अगला दिन इस पे ट्रेड लूंगा वट एवर इट इज, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट, तो ये आपको कितना पावरफुल टूल हो गया आपने देखा होगा, काफी हेल्प करता है ये आपको इस चीज में, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है जो आप हमेशा फिलअप, फिर से रिपीट करता हूँ, सीरियल नंबर है, नंबर ऑफ स्टॉक्स बता रहा है आपका, ये डेट है जो आप जिस दिन बाय करा डेट बाय डेट है, ये स्क्रिप्ट नेम जो स्टॉक का नाम है, ये सेक्टर किस सेक्टर का आपने लिया, ये सेक्टर से लिखता है पता चले फ्यूचर्स में कौन सेक्टर परफॉर्म अच्छा कर रहा है ट्रेकिंग के लिए, और ये है आपका नंबर ऑफ शेयर्स आपने कितना बाय किया और टोटल इन्वेस्टमेंट कितना करा आप स्टॉक में, हर स्टॉक में से आपने कितना करा है, तो टोटल इन्वेस्टमेंट की बात मुझे काफी लोगों ने डिस्कस करा कितना पैसा लगाना चाहिए हर स्टॉक्स में, काफी लोगों ने मुझे पूछा, तो इसका मैं थोड़ा जवाब क्विकली देना चाहूंगा इस पे। सपोज आपके पास 1 लाख रुपए है अभी, ठीक है, तो आपको लेना है मिनिमम स्टॉक्स कम से कम 10 और मैक्सिमम आपको स्टॉक लेना है 20, अगर मैं मान के चलो आपने 10 स्टॉक लिए टोटल 10 स्टॉक्स, तो आपको एक स्टॉक में देना है 10,000 रुपये, मतलब 10,000 के एक स्टॉक होंगे पहला, फिर दूसरा शेयर होगा 10,000 के, तो आपको मान लो 10 महीने में आप स्टॉक ले सकते हो, हर महीना या कंटिन्यूसली एक साथ ले सकते हो, 10,000 रुपये आपको करना है तब 10 स्टॉक्स आएंगे आप ले सकते हो मिनिमम, कम से कम, अब मैक्सिमम हो सकता है 20 स्टॉक, अगर आप 10 स्टॉक लोगे तो आप ध्यान से सोचना कि एक स्टॉक पे जो रिस्क है 10% है एक स्टॉक में, मतलब 1% को जब मैंने एलोकेशन किया है आप एक पैसे का वो 10,000 किया, 10,000 जो होता है 1 लाख का वो 10% होता है, अगर खुदा ना खास्ता कोई कंपनी यस बैंक बन जाए, बिल्कुल बनेगी बनता भी है बिल्कुल, वोडाफोन बन जाए तो क्या होगा मैक्सिमम जो होगा आपका कितना लॉस होगा 10,000 में, क्योंकि हम लोग स्टॉप लॉस भी लगा ही रहे, स्टॉप लॉस 20% मान लो, तो 10% से 10,000 से 20% होता है आपका 2,000 रुपये, तो आपका 1 लाख में आप सिर्फ सोचो अगर कुछ भी हो तो सिर्फ 2,000 ही लॉस होगा हमका स्टॉक में मैक्सिमम, या कहीं 30% स्टॉप लॉस होगा, तो आपका लॉस कितना मिनिमाइज हो जाता है इससे, तो ये बहुत प्लस पॉइंट है इसका, तो इसलिए आप कोशिश करना है कि टोटल अमाउंट होगा कुछ भी हो तो आप मिनिमम 10 स्टॉक्स और मैक्सिमम 20 स्टॉक लो, अगर 20 स्टॉक लोगे तो इसका मतलब एक स्टॉक पे आपका जाएगा 5,000 रुपये पर स्टॉक्स पे, नंबर ऑफ शेयर्स आप भूल जाओ, अमाउंट पे ज्यादा आप ध्यान देना है कि नंबर ऑफ पर शेयर्स पे 5,000 लगेगा, अब 20 स्टॉक ले लो मिनिमम है 10 लोगे तो आप 10,000 दोगे, तो आपको रिस्क पे 5% होगा सिर्फ, 5,000 में क्या डूब कंपनी कितनी डूबेगी, डूब जाओ तो आपको रिस्क काफी मिनिमाइज होगा, ऐसा नहीं कि 20 के 20 स्टॉक डूब जाएंगे या 10 के 10 डूब जाएंगे, ऐसा कभी होता नहीं है, तो आपको रिस्क काफी मिनिमाइज होगा, इसलिए अमाउंट उसी अकॉर्डिंगली आप इसमें इन्वेस्ट करना, बाई प्राइस है जो आप करंट प्राइस पे कर रहे हो, स्टॉप लॉस आपका जो स्टॉप लॉस आप डिसाइड करोगे किस प्राइस में निकलना है, मान के चलता है कि हम लोग 20% लॉस होगा तो हम लोग निकल जाएगा, कभी भी हो 20% लॉस, 1 महीना में हो 2 महीना में हो 3 महीना में हो 4 महीना में हो, कभी भी हम लोग अगर इससे नीचे आता है तो हम लोग एग्जिट करें, एक सिंपल लॉजिक बता रहा हूँ, ऐसे काफी तरीका है स्मॉल स्टॉप लॉस लगाने का, वो हम लोग डिस्कस करेंगे कभी किसी और वीडियो में, देखिए स्टॉप लॉस आप पहले ही सेट कर लोगे किसी भी लॉजिक की तरह, एग्जिट प्राइस आपका टारगेट प्राइस क्या रहेगा, और सेकंड है कि सेटअप क्या है, किस सेटअप पे आप ले रहे हो, उसका किस बेसिस पे ले रहे हो, न्यूज है ऑल टाइम हाई है एटीएस का मतलब ऑल टाइम हाई है, टेलीकॉम सेक्टर्स पे है, किसी कंपनी का ग्रोथ अच्छा है, स्टार्टअप है या आईपीओ है,
कुछ ना कुछ आप लॉजिक यहाँ लिखना पड़ेगा आपको छोटे लाइन में, और एग्जिट डेट जब आप जिससे निकालोगे, आप प्रॉफिट लॉस कितना हुआ यहाँ पे ही लिखोगे, और आपके कितना नंबर दिन नंबर ऑफ डेज आपने हेल्ड किया। तो ये छोटा सा मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको यही बताने का चाह रहा था, कोशिश बस इतना ही है इसमें और कुछ भी नहीं है फिलहाल। तो हम लोग एक चाहेंगे तो एक छोटा सा हम लोग अभी बना सकते हैं कि कैसे इसको बनाना है कोई, अभी तो एक मैंने स्नैपशॉट दे दिया आपको,